हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 3.2 में 12 सम तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं 13 to 22 सम्स। चलिए शुरू करते हैं 3.2 13 सम। 13 सम में हमारा एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 0 1 0 0, साइन एक्स और कॉस एक्स। इसको सॉल्व करने और हमें ऐसा प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं इसको LHS टू RHS प्रूव करता हूं। RHS टू LHS प्रूव करता हूं, सॉरी। तो इसमें RHS क्या होगा, ये f ऑफ x है ना, इसके जगह x प्लस y प्रूव पुट करना है। चलिए मैट्राइसिस में मैं लिख रहा हूं, cos ऑफ x प्लस y sin माइनस sin x प्लस y, ये तो 0 0 1 0 और 0, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। अब हमें RHS टू LHS प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं, यहां पर मैं LHS लिखने वाला हूं। LHS इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। इज इक्वल्स टू cos x sin x, सॉरी माइनस sin x 0 0 1 0 0, sin x और cos x इंटू है, यहां पर है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 1 0 और 0, यहां पर साइन वाई और कॉस वाई। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर, यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा। पहले ये वाली कॉलम, उसके साथ ये रो और इसके साथ ये कॉलम, तो हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर सेकंड कॉलम में हो जाएगा माइनस cos x sin y माइनस sin x sin y और 0, यहां पर ये 0 1 ये 0 और ये 0, तो यहां पर होगा sin x cos y प्लस cos x sin y। यहां पर cos x cos y माइनस sin x sin y। चलिए इसको प्रूव कर देते हैं आगे। यहां पर एक डिटरमिनेंट आ जाएगा cos of x plus y। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर cos x cos sin y cos x
यहाँ पर कॉस वाई है, यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो, यहाँ पर है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यही तो है हमारा आर एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये सब भी हमारा सॉल्व हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब लिख लीजिए 3 2 1। चलिए आज के सम बहुत इंटरेस्टिंग हो गए फ्रेंड, बहुत इजी सम्स तो होंगे पर थोड़ा इंटरेस्टिंग सम्स होने वाले हैं। चलिए अब 14 सम करते हैं, 14 सम में तो सिर्फ इतना ही बताना है कि नॉट इक्वल टू है, 14 सम में तो सिर्फ इतना ही बताना है कि नॉट नॉट इक्वल टू है। चलिए तो प्रूव कर देते हैं, 14 सम, 14 सम है हमारा, 14 सम में फर्स्ट दिया हुआ है 2 बाय 2, 5 माइनस 1 6 और 7, यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 माइनस 1 6 और 7, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। चलिए सबसे पहले एल एच एस इज इक्वल्स टू एल एच एस यही वाला है, तो मैं सीधा मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहा हूँ, दिस इंटू दिस उसके बाद दिस, तो हो जाएगा 5 2 10 -3, 5 1 5 -4, अब ये वाला और ये दोनों एरोस तो एज इट इज, 6 2 12 प्लस 7 3 21 और 6 1 6 और 7 4 20, 7 4 28, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 1 33 और 34, ये हमने एल एच एस का आंसर ले आए हैं। इसके बाद हम आर एच एस लेने वाले हैं, आर एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस यही है हमारा, तो सीधा मल्टीप्लीकेशन करके लिख रहा हूँ, दिस टू दिस टू दिस, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 5 10 +6, यहाँ पर 2 -1 -2 प्लस 7 1 7, यहाँ पर 3 5 15 प्लस 4 6 24, 3 -1 -3 प्लस 7 4 28, इक्वल्स टू तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 5, यहाँ पर है 39 और यहाँ पर हो जाएगा 25, बस इतना ही लिखना है, एल एच एस नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कुछ समय, ये समय कुछ नहीं था, सिर्फ एल एच एस आर एच एस की वैल्यू डालनी थी और एफ ऑफ एक्स मतलब एल एच एस नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, बस आप लिख लीजिए 3 2 1। इसके बाद जो सेकंड सम है ना वो आप खुद कर लेना फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 का सेकंड सम आप खुद कर लेना, चलिए 3 2 1। चलिए अब मैं करवा रहा हूँ 15 सम, 15
15 सम में हमें ए ऐसा कुछ दिया हुआ है, 3x3 मैट्रिक्स, तो है हमारा 201, 201, 213 और 1-1 और 0। तो हमें ये पूछा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 i, ठीक है ना फ्रेंड्स? ये मतलब i क्या होता है? i कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स, i मैंने बताया था ना, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसमें ऐसा कुछ होगा। ये 3x3 आया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3x3 है ना, तो यहाँ पर भी 3x3 ही होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब डायगोनल सिर्फ 1-1 होंगे, बाकी सब 0। ये डायगोनल्स 1-1, बाकी सब 0, ठीक है फ्रेंड्स? आइडेंटिटी एलिमेंट कुछ ऐसा ऐसा होगा। हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए इंटू ए, पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे हम। 201, 213, 1-1 0 इंटू 201, 213, 1-1 0, ठीक है फ्रेंड्स? ये भी कुछ 3x3 मैट्रिक्स ही होगा, तो इसका आंसर ऐसा कुछ आएगा, 4+1 यहाँ पर, 0-1 यहाँ पर, 2+0 यहाँ पर, हो जाएगा 4+2+3 और यहाँ पर 0+1-3 यहाँ पर, 2+3+0 यहाँ पर, 2-2+0 और 0-1 यहाँ पर, 1-3, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो गया, 3x3 मैट्रिक्स का आंसर हो जाएगा ये वाला, 5-1, 2-9-2, 5-0-1-2, हम ये आंसर हमारा ए स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड्स? ए स्क्वायर का आंसर ये आ गया है। अब हमें लाना क्या है? ये वाला, इसका आंसर लाना है, ए स्क्वायर माइनस 5, इसका आंसर लाना है। चलिए हम ये इसका आंसर लाएंगे, आप लिख लीजिए इतना, 3, 2, 1। चलिए पहले 5a फाइंड आउट कर लेते हैं। 5a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 201, 213, 1-1 और 0, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, 10, 10, 5-5, 5, 0, 5, 15 और 0। और हमें 6a बोला है, 6i, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, 6, 0, 0, 0, 6, 0 और 0, 0, 6, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए अब इस पूरे का आंसर यूज कर लेते हैं, पूरे का आंसर लाते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा फ्रेंड्स, अब स्टेप्स लिख लेना, 5-1 2, 9-2 5, 0-1-2, 5a का आंसर यहां से, तो हो जाएगा 10, 10, 5, 0, 5-5, 15, 5 और 0 प्लस 6i, तो उसका आंसर है 6, 0, 0, 0, 6, 0, और इसको मैं रब कर देता हूँ, मुझे जगह चाहिए इसलिए, 6, 0, 0 और 0, 0, 6, तो इसका अल्टीमेट आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा फ्रेंड्स, 3x3 मैट्रिक्स होगा, हो जाएगा 5-10-5 प्लस 6 तो 1। इसका आंसर अब होगा -1, ये -3, -1,
-1 -10। अब सिंपलीफिकेशन देख लेना फ्रेंड्स, आंसर आपका अल्टीमेट ये आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लिख लीजिए 3 2 1। चलिए अब मैं करवा रहा हूँ 16th सम। 16th सम भी आपके जैसा ही है फ्रेंड्स, इसके 15th जैसा ही है। 15 में सिर्फ हमें ए ऐसा कुछ दिया हुआ है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है ये वाला ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई। अब सिर्फ आप इतना देख लीजिए, 15 सब मैंने करवाया ना, ये मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये ए स्क्वायर आई, तो मतलब ये हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू, सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये जो आंसर आएगा ना, इसमें हम सिर्फ ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे, हमें ए क्यूब मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। इसमें अब इसकी इक्वेशन लिख देंगे और इसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे, तो आपका अल्टीमेट आंसर ऐसा आएगा फ्रेंड्स। आप लिख लीजिए, आप देख लीजिए, -16 -10 -28 0 30 0 -18 -14 -44 +2 I 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा फ्रेंड्स। ये भी बहुत इजी सम था फ्रेंड्स, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बिल्कुल भी टफ सम है। तो इसका अल्टीमेट आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसका अल्टीमेट आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। इसमें तो हमें हाँ मतलब ये तो ये जीरो हमें दिया हुआ है प्रूफ करना है, तो इसका आंसर अल्टीमेटली ऐसा कुछ आ जाएगा। आप फाइंड आउट कर लेना, तो इज इक्वल्स टू ये ओ हो जाएगा, जो 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आरएचएस के साथ मैच हो जाएगा, तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं करवा रहा हूँ 17 सम भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स, वो भी आप खुद से ट्राई कर लेना। मैं 18 सम करवा रहा हूँ आप, चलिए 3 2 1। एटीन सम तो मैट्राइसिस कहाँ गया, हाँ ये रहा, टेक्स्ट बुक मेरी बंद हो गई फ्रेंड्स। कहाँ गया मैट्राइसिस 3.2, ये रहा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, मैं 18 सम करवा रहा हूँ आपको क्योंकि वो थोड़ा टफ है। यहाँ पर हमें एक कुछ ऐसा दिया हुआ है, जीरो जीरो टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू, हमें क्या दिया हुआ है, एल एच एस में आई प्लस ए दिया हुआ है और आर एच एस में आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो चलिए मैं इस सब को सॉल्व करवा रहा हूं यहां पर, एल एच एस है आई माइनस आई प्लस ए, तो हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 0। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, 1
अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू और ये वन, तो ये 2 बाय 2 मैट्रिक्स है। अब हमें आई माइनस ए पहले तो फाइंड आउट करना है। आई माइनस ए कुछ ऐसा आ जाएगा, आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो हमारा हो जाएगा वन वन। आई माइनस ए क्या होगा, वन टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू और ये वन इंटू दिस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं चलिए दिखा रहा हूं इसका आंसर क्या होगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय टू साइन अल्फा। तो मैं कॉस अल्फा की फॉर्मूला थी ना, मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस टेन अल्फा की जगह साइन अल्फा बाय टू और कॉस अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा की जगह टू साइन अल्फा, वो साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए इज इक्वल्स टू करते हैं, तो एक कॉस अल्फा बाय टू एक कॉस अल्फा बाय टू कट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा टू कट हो जाएगा, तो आंसर इसका वन आ जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ उसका इक्वल्स टू मैट्रिक्स में, यहाँ पर वन आ गया है, यहाँ पर तो वन है, उसके बाद अब मैं ये वाला कर रहा हूँ यहाँ वाला, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा, ऐसा कुछ है। मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, साइन अल्फा की जगह टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा बाय टू अपॉन कॉस अल्फा बाय टू, और कॉस अल्फा की जगह टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो माइनस टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू, और यहाँ पर होगा टू साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू माइनस वन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टेन अल्फा बाय टू, यहाँ पर माइ सॉरी फ्रेंड माइनस टेन अल्फा बाय टू और यहाँ पर टेन अल्फा बाय टू और यहाँ पर वन, तो हो गया ना हमारा आंसर प्रूफ्ड, ये हमारा आरएचएस है। आरएचएस और एलएचएस इक्वल हो गया ना, ये रहा एलएचएस, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आप लिख लीजिए 3 2 1, चलिए अब हम करने वाले हैं 19 सम। 19 सम एक प्रॉब्लम सम है, आपको ध्यान से देखना होगा, 19 और 20 प्रॉब्लम सम्स है। हमें यहाँ पर दिया हुआ है अ ट्रस्ट फंड हैज रुपीज 30,000, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 30,000,
30,000 है ट्रस्ट के पास, उसको मस्ट बी इन्वेंट इन इन्वेस्टेड मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पर है, 5%, और एक बॉन्ड 7% पर है। तो चलिए मैं 5% वाले को ₹X सपोज कर रहा हूँ, और 7% वाले को हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 1800। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 30,000 माइनस ₹X, क्योंकि ये जो होगा उसमें से पार्ट होकर ये आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमें बोला हुआ है, ये है हमारा फर्स्ट बॉन्ड, और ये है सेकंड बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड है तो हमें एक बार बोला हुआ है, एक बार 1800 इफ द एनुअल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800 इज ऑब्टेंड। तो चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं इसको देखिए आप। अगर इसको मैं कॉलम वाइज लिखूंगा ना, तो इसको इन दोनों को मैं रो वाइज लिखने वाला हूँ, पता चला आपको, एक को रो वाइज और एक को कॉलम वाइज लिखना है। चलिए मैं इस वाले को कॉलम वाइज लिखूंगा और इस वाले को रो वाइज लिखूंगा, तो अब हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा एक्स, और 30,000 माइनस एक्स इंटू, सॉरी 5% तो नहीं है, 0.05 रुपीज, तो यहाँ पर 0.07 इज इक्वल्स टू 1800 हमें बोला हुआ है, इज इक्वल्स टू 1800, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। 0.05x प्लस 0.07 इंटू 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1800। यहाँ पर है 0.05x प्लस 2100 माइनस 0.07x इज इक्वल्स टू 1800। इसको उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस 0.02x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 300। तो हमारा एक्स अमाउंट हो जाएगा 15,000, एक्स अमाउंट 15,000, तो हमारा 30 माइनस एक्स भी क्या होगा, 15,000 हो गया ना हमारा ये सम सॉल्व। और हमें सेकंड में यहाँ पर सिर्फ, सेकंड वाला है ना उसमें यहाँ पर सिर्फ 2,000 लेकर करना है, बस वही सेम सम है, उसका आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 5,000 और सेकेंड बॉन्ड में 25,000, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब मैं करवा रहा हूँ 20 नंबर का सम, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। ट्वेंटी नंबर का सम है, हमें बोला हुआ है कि अ बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 12 डजन केमिस्ट्री बुक्स। यहां पर मैं लिख रहा हूं बुक्स का कॉलम, बुक्स और सेलिंग प्राइस को पार्ट्स पढ़ देंगे। चलिए 10 डजन, 10 केमिस्ट्री, और उसका कॉस्ट प्राइस है ₹80, और 8 डजन फिजिक्स, फिजिक्स उसका कॉस्ट प्राइस है ₹60, ₹60, और 10 डजन इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स, उसका कॉस्ट प्राइस है 40 रुपीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इसका टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल अमाउंट इस वाले को कॉलम में लूंगा और इस वाले को रोज में। चलिए, इज इक्वल्स टू 10, 8 और 10 इंटू 80, 60 और 40। तो चलिए, इसका आंसर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से कुछ ऐसा आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा फ्रेंड्स 12, और यहाँ पर हमें बोला हुआ है ना कि फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आप सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, तो कुछ ऐसा आएगा 10 × 480 + 400 इज इक्वल्स टू 12 × 1680 इज इक्वल्स टू 20160। बस यही आपका आंसर है, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 30 रुपीज। चलिए, इस लेक्चर के लास्ट टू सम्स करते हैं, आप लिख लीजिए 3, 2, 1। ट्वेंटी 21 नंबर का सम है, एमसीक्यू है। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। एन के पी एन डब्ल्यू, और हमें दिया हुआ है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो हमें, मैंने बोला था ना कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये दोनों का एडिशन होता है ना, तो मतलब दोनों एक जैसे ही होने चाहिए। जैसे कि 3/3 हो तो दोनों साइड पर 3/3, 2/2 हो तो दोनों साइड पर 2/2, मतलब इक्वल होने चाहिए मैट्रिक्स। तो हमें चाहिए, यहाँ पर वाई तो ऑलरेडी इक्वल है, मतलब पी और डब्ल्यू में ही से ही कुछ आंसर आना चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी इज इक्वल्स टू एन और के इज इक्वल्स टू 3। बस यही तो आपका आंसर है, आप लिख लीजिए ए आंसर है आपका। अब हम करने वाले हैं 22 सम, लेक्चर का लास्ट सम। तो चलिए, हमें दिया हुआ है एन इज इक्वल्स टू पी एंड जेड एक्स माइनस 5z। हमें ऑर्डर पूछ, ऑर्डर बताना है इनको, ऑर्डर पूछा गया है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए, यहाँ पर ये चाहिए ना, बस 7x - 5z, मतलब प्लस माइनस हो ना, प्लस और माइनस, तो इसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × n, 2 × n इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी आपका आंसर। चलिए, हमने 3.2 पूरी खत्म कर ली है, नेक्स्ट टाइम हम कुछ शुरू करने वाले हैं 3.3। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय। Just what I do, and I hope you let me in, yeah.